हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, देखते रहिए। आपको मतलब मज़ेदार और कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके लव लाइफ के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आप सब लोगों को बता दूँ, इस चैनल के ऊपर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही वीडियोस ऑन डेली बेसिस पोस्ट करती हूँ। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आई एम सो थैंकफुल कि आप सब लोग मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है, अभी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आगे होने वाला है। तो मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। आप आपकी लव लाइफ में जो भी आपके लव इंटरेस्ट है उनको याद कर लीजिए, सॉरी उनकी फ़ोटो देख लीजिए, उनके नाम का चैंटिंग कर लीजिए और हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और बताइए आने वाली लव लाइफ में क्या होने वाला है। ऐसे कौन से मेजर इवेंट्स है या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो होने वाली है। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए कि आने वाले समय में लव लाइफ में क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है, दैट इज़ अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं और चार कार्ड इसमें से पिक करूँगी, फिर हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं एक साथ। सेकेंड कार्ड आया है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उसके बाद आया है फाइव ऑफ कप्स। उसके बाद आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आया है नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स और उसके बाद आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं पहले इन कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर देती हूँ ताकि आप सब लोगों को दिखे। आपके लव लाइफ में अभी थोड़ी सी परेशानी मेरे को दिखाई दे रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग फाइव कार्ड्स बट सिक्स कार्ड्स अपने आप आए हैं। तो मतलब एंड जो लास्ट कार्ड आया है दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ द मास्टर कार्ड एंड मैं मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। बट उस तक पहुँचने से पहले आपको मतलब प्लीज़ वीडियो को गौर से देखिएगा, सुनिएगा। आपको पता है प्यार में इम्तिहान देने पड़ते हैं, तो आने वाले समय में देर आर चांसेस कि ऐसी परेशानियां आए आपके रिश्ते में कि आपको आई विल ट्राई टू यूज़ मैक्सिमम पॉजिटिव वर्ड्स दोस्तों, ताकि आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में ही लो। मैं सारी रीडिंग्स ऐसे ही करती हूँ कि मतलब अगर सामने वाले को जितनी भी पॉजिटिविटी दे पाऊँ उससे उनकी लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, भले ही वो किसी भी सिचुएशन में हो। तो करंट सिचुएशन मतलब करंट कार्ड्स के हिसाब से ऑब्वियसली देर आर चांसेस जो आपके दिखा रहे हैं कि आपके लव लाइफ में माइनर ऐसे सिचुएशंस आएगी जिनकी वजह से आपको परेशानी हो, आप डीमोटिवेटेड हो जाए या फिर अकेले पड़ जाए, आपको लोनलीपन का एहसास हो, चार लोग अलग तरीके की बातें करें और समथिंग। बट आपको एक बात याद में रखनी है दोस्तों, हमेशा थ्रू आउट योर लव लाइफ आप किसी से भी प्यार करो, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, खुद के प्यार के ऊपर विश्वास रखना है और खुद के लव पार्टनर जो आपके है, लव इंटरेस्ट है, उनके ऊपर विश्वास रखना है। दुनिया चाहे कुछ भी बातें करे, आपको उससे लेना देना नहीं है। भले ही मतलब सिचुएशन आपको कितनी भी सताए, कितनी भी परेशान करे, कितनी भी दौड़ाए भगाए, आपको मेहनत करती रहनी है, आपको आपके प्यार का मुकाम ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। और यही ये दोनों कार्ड दर्शा रहे हैं। लास्ट टू कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली फर्स्ट फोर कार्ड्स आर शोइंग के मतलब अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा ही होगा, हर जगह पे होता है, हर रिश्ते में होता है, उसमें कोई नई बात है नहीं। नई बात कहाँ पर शुरू होती है, खुद से शुरू होती है। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे, खुद के प्यार के ऊपर, पार्टनर के ऊपर भरोसा रहोगे, फर्म रहोगे कि मेरा प्यार सच्चा है, मैं मेरा प्यार अचीव कर लूँगी या फिर मेरे रिश्ते में कोई भी परेशानी नहीं है, सुकून है, देन ओनली यू विल फाइंड सक्सेस एंड पीस एंड विक्ट्री इन योर लव लाइफ।
ये मतलब पीरियड है, ये होगा ही होगा, ठीक है। तो जो मैंने मेजरी की बात बोली कि मतलब परेशानी आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, उनको थोड़ा सा साइड में करिए और खुद के ऊपर कंसंट्रेट करिए। ऑब्वियसली किसकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आती, हर किसी की आती है, बट उसे टैकल कैसे करना है ये आपके ऊपर है। तो बी फर्म, बी स्ट्रांग, कुछ भी हो जाए आपको फर्म रहना है। जितने आप फर्म रहोगे उतने सिचुएशन जल्दी से भाग जाएगी प्रॉब्लम वाली, और पॉजिटिविटी आपके जीवन में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी नेक्स्ट एक शफल कर लेती हूँ आप सब लोगों के लिए, देखते हैं क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये प्लीज बताइए। नेक्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज अ थ्री ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आया है सन। तो जैसा कि मैंने कहा, ऑब्वियसली आप दोनों में, लव लाइफ में आपको एक बात और करनी है। आपकी लव लाइफ में परेशानी उस वजह से आ सकती है कि आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, या फिर देर इज़ अ प्रॉब्लम बट आप आपके पार्टनर के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। तो मैं आप सब लोगों को इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि आपको जो प्रॉब्लम है ना, जिसमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, उनके ऊपर आपको फोकस करना शुरू करना है। जैसे ही आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, आपके जो प्यार है ना उसकी लाइट और ब्राइट होगी, और आपको खुशियों का एहसास होगा, सारे प्रॉब्लम्स भाग जाएगी और एंड में विक्ट्री आपकी होगी। सो दैट इज़ द लाइक पीरियड, आपको याद रखना ही रखना है इस बात को। प्रॉब्लम्स हैं एक्सेप्टेड, किसके लाइफ में नहीं होते, हर किसी के लाइफ में होते हैं, हर किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम होता है। अभी उसका सॉल्यूशन क्या है, जो भी प्रॉब्लम आपके पास आता है आपके सिचुएशन में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे बैलेंस बिगड़ रहा है, उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक उसको देखिए, समझिए कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन को लेके आपके पार्टनर को आपके पार्टनर के साथ बात कीजिए, समझिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और एक बीच वाला रास्ता निकालिए। हर जगह पे आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में आपको सुधार दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं अभी लास्ट कार्ड लास्ट डेक शफल कर रही हूँ, देखते हैं एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव, एज आई सेड अर्लियर, आपको बस पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, खुद के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है। कभी भी मतलब निगेटिव चीज़ें तभी होगी जब आप उनके ऊपर फोकस करोगे, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर पॉजिटिव फोकस करोगे तो चीज़ें पॉजिटिव होगी, नकारात्मक शक्ति आपसे दूर चली जाएगी। एज आई सेड, हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स रहते हैं, किसके प्रॉब्लम में नहीं रहते। जहाँ बैलेंस बिगड़ रहा है वहाँ आपको बैलेंस ऐड करना है और आगे बढ़ना है, तभी जाके आपको आपकी सिचुएशंस में, आपके प्यार में फायदे का एहसास होगा। देर इज़ अ समथिंग बेटर इन योर लाइफ। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके जीवन में आप खुद एक ऐसे पर्सन हो जो इन सारी निगेटिव बातों से आगे बढ़ते हुए, एज आई सेड नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स, आप ही हो जो सारी चीज़ों को बेटर करोगे। ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मेरे पार्टनर की भी जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली उनकी भी जिम्मेदारी है, बट आप इनिशिएटिव लोगे तो वो भी आगे बढ़ के रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, और यही आने वाले 36 आवर्स में आपके साथ होने वाला है। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइज़।